और करीब 1.25 साल से हम हर संडे मिलते हैं और अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं, पर मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है, अगर इसको टॉपिक कहे तो सबसे मुश्किल है, क्योंकि तवरिया साहब के ऊपर बात करना ये तो जैसे सूरज का परिचय देना जैसा होता है। सूरज को वैसे सब जानते हैं, फिर भी सूरज की गहराई क्या है, सूरज के अंदर क्या छिपा है, वो कोई नहीं जानता। आज साइंस भी सूरज के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं है, बहुत कम जानता है कि सूरज के अंदर डीप में क्या है। इसी तरह तवरिया साहब की एक पर्सनालिटी का हम जानते थे, उनके साथ में जो हम जीते थे तो उनका उनकी पूरी जो लाइफस्टाइल थी ये समझते थे, या उनकी किताबों से उनकी अंदर की क्या स्थिति होगी वो समझने का प्रयत्न करते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं जानते हैं इनके बारे में, तो इनके बारे में बात करना सच में मुश्किल काम है। फिर भी जो कुछ हम जानते हैं वो शेयर करेंगे। और मेरा एक इंटरेस्ट ये भी है, क्योंकि कई लोग यूट्यूब पर मुझे तवरिया जी के बारे में पूछते हैं, तो खास करके मैं थोड़ा शुरू से इनके बारे में बताना चाहता हूँ, जो शायद पुराने लोगों को पता भी होगा, पर फिर भी सबके लिए एक नए लोगों के लिए भी पूरी जानकारी मिले, इस तरह उनके बचपन से कुछ हम बात शेयर करेंगे। तो देखते हैं किस तरह हम क्या इनके बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पर जैसा हम जानते हैं कि तवरिया जी का जन्म बम्बई में 2 मार्च 1919 को हुआ था, एक पारसी कुटुंब के अंदर, और उनका पूरा नाम था सोली नवरोज जी तवरिया। उनका जो नेटिव थे वो नवसारी का था, नवसारी में जो तवरी नदी है उसके ऊपर से तवरिया सरनेम आई है, तो वहाँ के उनके पूर्वज थे। और जो महापुरुष जन्म लेता है वो, जैसे कि तवरिया जी ने बताया है कि भाई कॉन्शियस डेथ एंड कॉन्शियस बर्थ, तो जो सच में महापुरुष है वो उसका बर्थ जो है कॉन्शियस बर्थ होता है, मतलब कि उसकी इच्छा से उसकी पसंद की हुई जगह पर पसंद किया हुआ टाइम के ऊपर वो महापुरुष आते हैं, और आते ही तुरंत वो जानते हैं कि मैं यहाँ आ गया। छोटा बच्चा होते हैं, हम जब छोटे होते हैं तो 2-3-4 साल तक हम कुछ जान नहीं पाते हैं, पर जो ऐसी विभूति होती है वो जन्म के बाद भी जान सकती है। क्योंकि मैंने एक बार पढ़ा था माँ अमृतमयी माँ आनंदमयी के बारे में, जब मैं पढ़ता था तो उन्होंने एक जगह लिखा था कि हम बहुत छोटे थे, हमारा जन्म होने के बाद में कुछ समय के बाद में, तो हमें जहाँ लेता आया था वो लकड़े का घर था और उसका एक छोटा सा होल था, वो होल में से हम बाहर देखते थे और पूरी दुनिया को देख सकते थे। तो जो इस तरह सभान जन्म लेते हैं वो आने के बाद में ही, चाहे उनका ब्रेन डेवलप, साइंस की भाषा में कहे तो ब्रेन डेवलप नहीं है, अभी कोई इंद्रिय काम नहीं कर रहे, पर डायरेक्ट परसेप्शन उनके अंदर होता है और वो जान सकते हैं कि मैं आया इस जगत के अंदर। तो तवरिया जी ने भी इस तरह ही जन्म लिया था इस कुटुंब के अंदर। और हमेशा जन्म कोई महापुरुष लेते हैं तो दो उसकी वजह होती है, एक वजह होती है कि दूसरों को मदद रूप बनना, मतलब वो ऐसे काल में जन्म लेते हैं कि बहुत सारे लोगों को जब तैयार होते हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए, तो ऐसे काल में वो आते हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य, उसमें कहा कि जब अधर्म फैल जाएगा तब मैं आऊँगा, पर यहाँ बात अधर्म से ज़्यादा साधना के बारे में है, कि जब साधक का ग्रुप तैयार होते हैं, बहुत सारे लोग कैसे तैयार होते हैं, तो ऐसा कोई गुरु आता है और ऐसी विद्या सिखा जाता है कि जिसके द्वारा ये ग्रुप जो होता है, जो करने वाले होते हैं, वो काफ़ी ऊपर तक जा सकते हैं। तो एक हेतु ऐसे महापुरुष का जन्म लेने का ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो तैयार है
साधना के लिए उनको मार्गदर्शन दिया जाए, और दूसरा उनका एक पर्सनल हेतु होता है वो रिडम्पशन का होता है। तो तावरिया जी, रिडम्पशन के बारे में तो पर्पज में बहुत कुछ लिखा है। रिडम्पशन माने एक ऋण मुक्ति, हमारा जो ऋणानुबंध होता है और इससे जो हमें कर्म उत्पन्न होते हैं, तो कर्म का एक बंधन जो है उसमें से जितना हम इसको कर्म को चुका सकते हैं उसमें से मुक्त हो सकते हैं। तो जैसे हमारे शास्त्रों में भी अलग अलग प्रकार के ये बताए हैं, पितरों के बारे में, माता पिता के बारे में, गुरु के बारे में। तो अलग अलग जो ऋण होता है उससे साधक को मुक्त होना होता है। और महापुरुष को जब उनको लगता है कि भाई इस जन्म में मुझे आके, कई कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका अभी ऋण मेरे पर बाकी है, उन लोगों का ऋण चुकाने के लिए, मतलब उनका पर्सनल जो रिडम्पशन है वो पर्सनल रिडम्पशन के लिए वो आते हैं। तो यही एक वजह होगी कि तावरिया जी ने इस युग के अंदर जन्म लिया कि जहाँ बहुत सारे लोगों को साधना की जरूरत थी और साधना के नाम पर बहुत कुछ चल रहा था, योग के नाम पर बहुत कुछ, आज भी बहुत कुछ चल रहा है। तो वो तो ठीक है, चलता रहेगा हमेशा ये तो, पर सही साधना क्या है, सही योग क्या है, ये सब बताना जरूरी होता है। तो इस तरह उन्होंने आके हमें बताया, और खास करके जो उन्होंने योग सूत्र और पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ की रचना की, वो बहुत हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम कुछ जानते ही नहीं थे, या अध्यात्म में अंदर जो हमारी गलत फहमियाँ थी वो जब आप पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ पढ़ते हैं तो आपको पूरी एक यात्रा का आइडिया आता है कि जीव कहाँ से आता है, किस तरह बंधन में पड़ता है और किस तरह मुक्त हो सकता है। तो ये पूरी यात्रा का जो एक निरूपण उन्होंने पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ के अंदर किया है, वो एक कहे कि एक ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ा एक हमारे लिए एक उपहार है कि जो ऐसा ज्ञान जो कभी इतनी आसानी से जो नहीं मिल सकता है, शास्त्रों के अंदर पढ़ा है पर छुपा हुआ है, जो एकदम आसान ढंग से उन्होंने हमें बता दिया था। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमें उन्होंने बताई है। वैसे वो बचपन से ही बहुत शरारती थे और बहुत तूफान करते थे, छोटे बच्चे थे तब भी वो कुछ न कुछ शरारत करते रहते थे, जैसे कभी पीने का पानी के मटके के अंदर साबुन रख देते थे और कुछ तोड़ देते थे, फोड़ देते थे, इस तरह बहुत, क्योंकि बहुत एनर्जी के साथ वो आए थे, इतने इनके अंदर इतनी एनर्जी थी, तो वो कुछ न कुछ चलता रहता है, माँ बाप को भी उनको संभलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो फिर माँ बाप ने उनको बोर्डिंग के अंदर, चार साल की उम्र थी तब से उनको बोर्डिंग के अंदर रख दिया था, बम्बई में पारसी बोर्डिंग थी उसके अंदर। वहाँ वो कहते थे कि मैं जब 7 साल का था तब मेरे गुरु का परिचय मुझे वहीं हुआ था, मेरे एक व्यक्ति शाम को आती थी और मेरे पास बैठ के कुछ मंत्र वगैरह बोलती थी और कुछ मेरे सिर पर हाथ रख के, और कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यही मेरे गुरु है करके। तो ये एक बात उन्होंने बताई थी, पर ये बात बहुत गंभीर है, उसको हम समझ नहीं सकते हैं कि वो कौन व्यक्ति थी, कोई फिजिकल फॉर्म में आता था या कोई और रूप था, कोई मिस्टिक था, और उन्होंने कुछ उनका नाम भी नहीं दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने जो पुस्तकों की रचना की उसके अंदर उन्होंने श्री राम लिखा था कि मेरे गुरु श्री राम थे, वो तो अपने आत्मतत्व के बारे में वो हमेशा कहते थे कि उनके आत्मतत्व के वो गुरु आत्मतत्व को ही गुरु मानते थे और उनको श्री राम कहते थे। पर जो बचपन में व्यक्ति आती थी वो श्री राम थी या क्या था, क्योंकि वहाँ उन्होंने श्री राम शब्द कहीं उपयोग नहीं किया है, श्री राम शब्द उन्होंने अपने किताबों के अंदर ही उपयोग किया है। तो ये एक मिस्टिकल बात है, वो हम अभी तक जानते नहीं है कि वो आते थे, वो कौन आते थे, सच में थे, क्या थे, वो हम नहीं जानते। तो इस तरह उनको हॉस्टल में रख दिया था। फिर उन्होंने थोड़े बड़े होके जब कामकाज करने का शुरू किया, तो शुरुआत में वो
डॉक्स के अंदर काम करते थे, वो डेप्यूटी चेयरमैन के पोस्ट के ऊपर थे, और कहते कि उनके अंदर 10,000 व्यक्ति उनके अंदर काम कर रही थी। पर उनका जो साधना का जो था वो तो बचपन से ही चालू हो गया था, और वो उनकी कुछ ना कुछ, क्योंकि वो कहते थे कि मैं 4-5 साल का था तो अपने आप में बिस्तर पर बैठ के गायत्री मंत्र का जप कर रहा था। तो उन्होंने किसी ने उनको गायत्री मंत्र सिखाया नहीं था, पर वो अंदर से उनकी अगले जन्मों की साधना के परिणाम रूप वो गायत्री मंत्र करते थे बचपन से। तो इस तरह उनकी साधना तो कुछ न कुछ चलती रहती थी, और जो उनके गुरु थे उन्होंने वो 3 स्टेप भी बताया था, वो भी 3 साल के अंदर उसको उनका एस्टेब्लिश हो गया था। 7 साल में चालू किया था, 11 साल में उनका 3 स्टेप भी सेट हो गया था। तो 3 स्टेप वगैरह चल रहा था और दूसरी साधना भी उनकी होती थी, साथ में वो कामकाज भी करते थे। तो ऐसा नहीं था उनका कोई अप्रोच, शुरू में उनको लगता था कि मुझे हिमालय जाके साधना करनी चाहिए, पर उनके गुरु ने मना किया था कि तुम्हें तो यहाँ संसार में ही रहना है, गृहस्थी बनना है और साधना करनी है, और एक एग्जाम्पल तुम्हें लोगों को बताना है कि गृहस्थी होके भी साधना हो सकती है। क्योंकि लोगों के अंदर उस समय में बहुत ऐसी गलत फहमियाँ थी कि भाई साधना करने के लिए तो संन्यास लेना ही जरूरी है, योग करने के लिए ये संन्यास लेना जरूरी है। तो वो चाहते थे उनके गुरु के, नहीं भाई तुम इस तरह जियो, गृहस्थी हो के जियो और साधना की परम अवस्था तक पहुंच के लोगों को बताओ कि संसारी आदमी भी साधना और संसार दोनों में रहकर एक जीवन जी सकता है और परम की ओर यात्रा कर सकता है। तो ऐसा उनका गुरु का आदेश के मुताबिक फिर उन्होंने गृहस्थ आश्रम भी स्वीकारा था, और मैंने बताया इस तरह डॉक में काम करते थे, 10,000 व्यक्ति थे, और वो कहते थे कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति काम करते थे वो सब जैसे गुंडा मवाली लोग होते हैं, वही ज़्यादातर लोग डॉक में काम करने के लिए आते थे। तो ऐसे लोगों के साथ में उनको बहुत सालों तक जीना पड़ा था, पर कभी ना कोई उनके ऊपर इसकी असर हुई थी। हालांकि उनका जो एक प्रभाव था, उनकी जो साधना का एक प्रभाव था, तो इतने सालों में उन्होंने कभी किसी को ना उपदेश दिया था ना, क्योंकि कई लोग जुआरी थे, कई शराबी थे, तो ऐसे लोगों को उन्होंने कभी उपदेश भी नहीं दिया था। फिर भी वो कहते हैं कि धीरे 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 करके कई लोगों का जो ये था जुआरीपन या शराबी वगैरह, तो वो सब छूट जाता था। 5 मिनट में एक ब्रेक आएगा, उसके बाद में फिर से हम ज्वाइंट होंगे। तो इस तरह इनका कहने का मतलब ये है कि जब सच्ची साधना होती है तो किसी को बोल के उपदेश देने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जब बोल के तो तब उपदेश देते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी शक्ति निर्माण नहीं हुई है, हमारे अंदर ऐसा कोई पावर ही नहीं है। ऐसा अगर जब पावर्स आता है तो वो व्यक्ति के सानिध्य के अंदर ही हमारे जो दुर्गुण है वो अपने आप में विलुप्त होते जाते हैं। और उनके साथ में यही हुआ था, जो लोग उनके साथ में रहते थे, खास करके ये डॉक में तो एक एग्जाम्पल है ही कि बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसे चेंजेस आए थे। तो इस तरह अलग अलग प्रकार के, फिर उन्होंने ये छोड़ दिया था, उसके बाद में खुद अपना एक नेस्लर बॉयलर बनाते थे, क्योंकि वो डबल इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर थे, तो वो बहुत सारी चीज़ें खुद बनाते थे वो, और एक बॉयलर कंपनी की भी उन्होंने स्थापना की थी। इस तरह साधना और ये कामकाज वगैरह, क्योंकि उनको ये बताना था कि भाई कामकाज के साथ भी साधना हो सकती है। हालांकि उनका साधना का तरीका थोड़ा अलग था, वो रात को जब सो जाते थे तब उनकी साधना होती थी। अब हम सोचते कि भाई सो जाते हैं तो कैसे साधना होती है, तो वो कहते थे कि भाई सच्ची साधना जो है वो एस्ट्रल बॉडी से होती है। तो जब फिजिकल बॉडी आराम करता है तब एस्ट्रल बॉडी जो है वो साधना कर सकता है। ये एक बहुत ऊंचा कंसेप्ट है, और हार्डली बहुत एडवांस लोग होते हैं वही इसी तरह साधना करते हैं, कर सकते हैं। हमारे लिए तो शरीर का जागृत होना भी जरूरी होता है, पर उनके लिए ऐसा नहीं था। वो रात को 12 से 4 के अंदर उनकी ये सब साधना वगैरह चालू रहती थी, और फिर सुबह में उठ के फिर से वो डॉक पर जाना, कामकाज करना, ये सब होता था।
पर ऐसा भी नहीं था कि जब दिन भर में वो कामकाज करते थे तो खाली कामकाज करते थे, उस समय कोई साधना का उनका कोई ये नहीं था एक अनुसंधान, क्योंकि उन्होंने बताया कि सच्चा जो मेडिटेशन है इसको वो मेडिटेटिव एटीट्यूड कहते थे। तो मेडिटेटिव एटीट्यूड जो है वो चौबीसों घंटा चालू रहता है। तो एक मेडिटेटिव एटीट्यूड मतलब एक मेडिटेशन की ऐसी अवस्था कि जो हमेशा निरंतर बनी रहती है। तो उनकी अंदर ये एक तो अवस्था तो आ गई थी वह तो कम उम्र से, तो वो दिन भर में भी जब कामकाज करते तो एक मेडिटेटिव अवस्था तो उनकी हमेशा रहती थी। तो दिन भर में मेडिटेटिव अवस्था के साथ कामकाज करना, जीना, और रात को जो थे उनकी जो साधना थी वो एस्ट्रल बॉडी से वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जाके जो कुछ उनको जानना है, समझना है, जो विद्या प्राप्त करनी थी वो सब अब वो प्राप्त करते थे। तो इस तरह उनका जो था वो इस तरह वो साधना और कामकाज दोनों करते रहते थे। अब जो एक एनलाइटनमेंट का कंसेप्ट है उसके अंदर भी हमारी कुछ भ्रमणा होती है कि एनलाइटनमेंट शब्द हम बहुत यूज करते हैं आजकल, तो बहुत सारे लोगों कई लोग क्लेम भी करते हैं कि भाई हम एनलाइटनमेंट ने हो गए हैं, एनलाइटन हो चुके हैं ऐसा वैसा। हकीकत में जानना है कि जो कंप्लीट या फाइनल जो एनलाइटनमेंट है वो तो भूभुव स्व के बाहर जब जब वो जीव निकल जाता है, मतलब उसकी पूरी यात्रा कंप्लीट होती है तब वो भूभुव के स्व के बाहर निकलता है, तब वो फाइनल एनलाइटनमेंट होता है। अब उसको लिए कुछ रहा नहीं है, वहाँ उसके सब कर्म, उसके कर्म के संस्कार बीज सब खत्म हो चुका है। तो वो अपना जो सेलेस्टियल होम है जहाँ से वो आया था आत्मा, फिर वहाँ आत्मा चला जाता है। तो वो ये है, उससे पहले वो भूभुव स्व से उसको गुजरना पड़ता है। तो जैसे तवारे जी कहते थे कि हमारी जो ह्यूमिनिटी है अब वो फोर्थ सब स्टेज के अंदर हमारी ह्यूमिनिटी है। तो साधक जब साधना करता है तो उसके धीरे धीरे आगे बढ़ता है, भूलोक के ही आगे के जो स्टेजेस है, फोर के बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इस तरह। तो जब सेवन सब स्टेज तक जाता है तब उसका एक एनलाइटनमेंट फर्स्ट आता है, वो अभी भी ये जो भूलोक में है उसमें फिर से उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक पहला एनलाइटनमेंट यहाँ उसको मिलता है। अब हाँ, वो कुछ अपनी मर्जी से चाहे तो वो आ सकता है इस पृथ्वी के ऊपर जन्म लेने के लिए, उसका कुछ कर्मानुबंध के कारण या दूसरों को मदद करने के लिए। बाकी उनके लिए कंपल्सन नहीं है कि जैसे हम सामान्य लोग हैं तो हम जब गुजरते हैं उसके बाद में फिर से हमें यहाँ ही आना पड़ता है, वो चीज़ इनके लिए कंपलसरी नहीं है। तो इस तरह भूलोक का एक एनलाइटनमेंट होता है, फिर आगे साधना के बाद में भूलोक का एक एनलाइटनमेंट होता है, और बाद में स्वलोक का जो एनलाइटनमेंट है उसके बाद में वो व्यक्ति सेलेसियल होम चली जाती है, फिर से उसको कहीं पर भी कोई भी लोक में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पता नहीं तवरिया जी कौन से लोक से आए थे, कोई उच्च लोक से वो आए थे, उनका कोई पर्पज होगा हमारे जैसे कोई लोगों को मदद रूप बनने के लिए। तो ये हम सबका एक सदनसीब है कि जिस समय हमने जन्म लिया उसी समय में वो भी थे, तो हमें बहुत कुछ जानना समझना मिला। और कुछ लोग ऐसे
ज़्यादा नसीबदार थे कि जी जो उनके पर्सनल कांटेक्ट में भी आए और पर्सनली भी सीखना मिला, उनके साथ बहुत इंटरेक्ट हुआ। तो ऐसे भी सदनसीब जीव है, पर फिर भी वो जो है वो हमारे काल में थे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरा उनका एक खास कंसेप्ट था, मैंने जैसे बताया कि भाई ये गृहस्थ आश्रम में रहकर ही साधना करने की बात करते थे, तो वो कहते थे कि इससे ही हमारे जो स्पिरिचुअल मसल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। मतलब कि जब आप कहीं चले जाते हो, एकांत में जाके साधना करते हो, हिमालय पर चले जाता हो, तो कुछ न कुछ रूप में स्थूल या सूक्ष्म रूप में कुछ एस्केपिज्म आ जाता है। वो संसार की जिम्मेदारी लेने के लिए वो व्यक्ति तैयार नहीं है, तो एक भगोड़ापन आ जाता है ऐसे व्यक्ति के अंदर। कई कई केस में जेन्युइन केस भी हो सकते हैं, पर नॉर्मल केस के अंदर एक भगोड़ापन होता है और वो लोग संसार की जिम्मेदारी अध्यात्म के नाम पर लेना नहीं चाहते हैं। वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, अध्यात्म में कोई संसार बाधा रूप तो है नहीं, क्योंकि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो भी सब गृहस्थी थे, हमारे जो भगवान के अवतार थे कृष्ण राम वगैरह वो भी सब गृहस्थी थे। तो कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर साधना करनी है तो गृहस्थ आश्रम से निकल के ही साधना कर सकते हैं, ये एक कल्पना है। तो ये गृहस्थ आश्रम में रहकर साधना करने के लिए उनका एक बहुत जिक्र होता था। और उनको हम जानते हैं, उनका टीचिंग जो था वो शुरुआत में तो किसी को पता ही नहीं था कि वो योगी थे और इतने बड़े महान थे। उनके फैमिली में भी खास किसी को पता नहीं था कि इनकी इतनी गहरी अवस्था है और ये कोई इतने बड़े योगी है, क्योंकि अपनी जात को उन्होंने छुपा के रखा था। एक ऑर्डिनरी एक इंसान की तरह ही उनको जीना था और वही उनका एक टीचिंग का एक पार्ट था। तो कभी भी उन्होंने कोई कुछ योग के जानकार है ऐसी कोई उन्होंने न कोई बताया था, न कोई उनका ऐसा कोई शो ऑफ था। एक गृहस्थी की तरह ही सामान्य रूप में जीते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, पेंट पहनते थे और कामकाज करते थे। तो फिर भी कुछ लोग तो जो जिज्ञासु थे वो जानते थे कि भाई इनके अंदर बहुत गहराई से योग की सब विद्या जानते हैं वगैरह। तो कुछ ऐसे फ्रेंड भी उनके थे और फिर कुछ लोगों का इनको थोड़ा एक इंसिस्ट था कि नहीं आप थोड़ा योग वगैरह कराओ करके। तो 81 के अंदर पहली बार उन्होंने बम्बई में कुछ एक मीटिंग चालू की थी कि हर महीने एक हफ्ते मिलेंगे, और पहली मीटिंग 81 के अंदर थी। उसमें सिर्फ 9 लोग थे और जो हमारा डिस्कोर्सिस की जो पहली मीटिंग जो है, पहला एक चैप्टर, वो वही का है। वो खुद नोट्स बना के ले जाते थे और नोट्स देते थे और उसके ऊपर समझाते थे। कई बार योग सूत्र थे या अलग योग के अलग अलग विषय थे, वो सब वो समझाते रहते थे हमेशा। तो इसके ऊपर से हमने डिस्कोर्सेस 1 से 7 तक तैयार किया है, जो वो बम्बई में जो लेक्चर देते थे वो। और इस तरह बम्बई में धीरे धीरे चालू हुआ। फिर जब कई लोगों ने माधवपुर के बारे में बताया और जिक्र किया कि यहाँ भी बहुत अच्छा ग्रुप है, आप आइए, बहुत सारे लोग साधना के इंटरेस्टेड हैं, तो कई बार मना करने के बाद वो वहाँ जाने के लिए राजी हुए थे और 88 से वहाँ गए थे। 5 बार कुल वहाँ गए थे। फिर वहाँ से थोड़ा उनका टीचिंग और लोगों के अंदर बढ़ा था, और जिनकी के जो लास्ट 6 मंथ थे उसमें तो हर समय हर महीने वो एक बार कोई ना कोई सिटी में जाके वो ये सिखाते थे। तो उनका ऐसा कहना था कि भाई मेरे जो समय नज़दीक आ जाएगा तो मैं इसके लिए योग का प्रचार ज़्यादा करूँगा। उससे पहले वो कुछ ज़्यादा नहीं करते थे। तो दिसंबर जनवरी के बाद 1944 में उन्होंने हर महीने कुछ न कुछ जगह पर जाके शिविर वगैरह वो ली थी, और 29 मई को उन्होंने सांगली के अंदर अपने फिजिकल बॉडी को छोड़ दिया था। वो तो हम जानते थे महाराष्ट्र में सांगली में। तो सांगली में हर साल वो जाते थे। एक्चुअली तो एक बहाना था, वहाँ नेशनल लेवल के ऊपर चेस जो टूर्नामेंट होती थी, तो चेस टूर्नामेंट उसके अंदर वो जाने के लिए घर से तो कहते थे, पर उनको थोड़ी
थोड़ी गहरी साधना के लिए या कोई उनका कोई पर्पज होगा, इसी कारण वो 15 दिन के लिए हर महीने मई महीने के अंदर सांगली चले जाते थे। और वहाँ वो चेस भी सबसे खेलते थे और साधना का था, और खास करके जो उन्होंने योग सूत्र वगैरह का जो सब ये तैयार किया है वो लिखते थे वहाँ बैठ के, ज़्यादातर उन्होंने लिखा है। तो ये सब एक वहाँ होता था। अब उनके अंदर इतनी, अभी चेस की बात निकली है तो मुझे याद आ रहा है, एक बार हमसे बात हो रही थी तो बताते थे कि जब मैं जवान था और चेस खेलता था तो किस तरह खेलता था, कि नॉर्मल कोर्स में प्लेयर्स आमने सामने बैठ के चेस खेलते हैं ना, बोर्ड होता है और आमने सामने प्लेयर्स बोलते हैं, वो बोलता थे कि मैं अपनी चेयर को दूर ले जाके बैठता था और दूसरा प्लेयर उसकी जगह पर बैठता था, फिर वो मैं अपने साथ में किताब भी रखता था और मैं किताब भी पढ़ता था और दूर से ये चेस खेलता था। तो जब वो सामने वाला प्लेयर एक चाल चलता है और फिर वो दूर से बताता था कि भाई मैंने ये चाल चाली है, तो वहाँ दूर से ही वो बोर्ड को देखते नहीं थे, उनका मुंह तो दूसरी ओर था, फिर भी वो बोलते थे कि अभी मेरी ओर से ये चाल तुम चल लेना इस तरह। तो इतना इनके अंदर एक कैपेसिटी थी कि पूरी की पूरी गेम वो बोर्ड को देखते नहीं थे, किताब भी पढ़ते रहते थे, उनका फेस दूसरी ओर था, फिर भी कहने का मतलब ये है कि हर समय उसके दिमाग के अंदर ये एक चेस बोर्ड था और कौन सा जो प्यादा है कहाँ पड़ा है वो उसका पूरा के पूरा अटेंशन इनके उनका इसके ऊपर रहता होगा। तो कितना पावरफुल अटेंशन होगा हम तो सोच भी नहीं सकते हैं कि एक व्यक्ति इस तरह भी चेस खेल सकता है कि दूर है वो चेस की गेम को देखता भी नहीं है और फिर भी वो खेल सकता है, कितना पावरफुल उनका अटेंशन था। इसी तरह वो अटेंशन के बारे में बताते थे कि भाई सही अटेंशन क्या है, कि भाई एक व्यक्ति को आप ध्यान से देखो, फिर वही इसकी इसका इसकी जो इमेज है वो एक जो प्लेन दीवार है उसके ऊपर आप इसको रिफ्लेक्ट करो, तो जैसा चेहरा आपने इस व्यक्ति का देखा वो सेम टू सेम चेहरा वो दीवार के ऊपर आपको दिखना चाहिए। तो ये भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो नामुमकिन सी बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ऐसी ऐसी चीज़ें उनके अंदर ऐसे शक्तियाँ थी कि इनका ध्यान इतना पकुआ था कि वो ये सब चीज़ें वो आराम से कर सकते थे। और उनके अंदर ये जिसको हम सिद्धि कहते हैं या जो जो पावर्स कहते हैं वो तो उनके अंदर भरपूर पड़े थे बचपन से ही। वो बोलते थे कि मैं तो बचपन से ही कलर टीवी निगल गया हूँ, तो जब भी मैं कुछ भी देखना चाहता हूँ तो अंदर देखता हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देते थे। इसीलिए वो कहते थे कि किसी का 200 जन्म आगे या 200 जन्म पीछे देखना है वो भी उनके लिए एक सामान्य बात थी। और ये खेल तो 4 साल की उम्र से उसका चालू हो गया था। वो बताते थे कि भाई मैं जब हॉस्टल में था तो एक बार मैं मेरे प्रिंसिपल के बाजू में खड़ा हुआ था और एक मिस्टिक व्यक्ति थे वो आते थे, तो वो आए ऑफिस के अंदर, तब मैंने प्रिंसिपल को बताया कि इनका बच्चा बीमार है। तो प्रिंसिपल ने उस व्यक्ति को पूछा कि भाई आपका बच्चा बीमार है क्या, तो उसने कहा हाँ हाँ बीमार है। फिर वो व्यक्ति ने तावरिया जी के सामने देख के पूछा कि भाई वो मेरा बच्चा बच जाएगा कि नहीं, तो उन्होंने सिर हिला के ना कहा। तो बोलते तब से मेरी ये सब एक जो थी ऐसी गेम चालू हो गई थी। तो ये तो वो उनका पूर्वजन्म का ही इतना सारा ये था एक कि इसके कारण इनके अंदर ये सब सारी चीज़ें जिसको हम सिद्धि कहते हैं वो सब बचपन से ही थी। पर फिर भी वो उसमें उन्होंने कभी इसका प्रदर्शन नहीं किया, न कभी जाहिर में उसको ये नहीं किया, कभी कभार किसी के जब ऐसा उनको लगता था तभी ये ऐसी चीज़ किसी को बताते थे, पर थी वो सही और बहुत बहुत लोग इनके साक्षी बने थे। तो इस तरह इनके अंदर ये चीज़ें होती थी। जैसे वो कहते थे कि भाई अगर आप स्वर नाड़ी शास्त्र में आप स्वर को श्वास को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सामने वाले के विचार भी देख सकते हैं। तो एक एग्जांपल देके वो बोलते थे कि भाई एक बार मैं बम्बई से पुणे ट्रेन में जा रहा था तो एक व्यक्ति मेरे सामने आके बैठ गई, तो मैं उनके सामने देख के हंसता था। तो वो व्यक्ति ने पूछा कि भाई आप क्यों हंसते हैं मुझे देख के, उन्होंने बताया कि भाई आप
आपकी टिकट घर पर भूल के आए हैं करके। अब उसका कारण वो बोलते हैं कि वो सामने वाले का जो स्वर होता है उसके साथ के स्वर आप मिला दो तो उसके अंदर क्या चल रहा है, या वो उसके बारे में और कुछ भी जानना चाहे तो आप जान सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो उनके अंदर ये थी एक छोटी छोटी चीजें, कई बार कई लोगों के, और ये सब जो जिनको सिद्धि बताते थे उनको, कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये योगी थी। जैसे कि एक व्यक्ति ने बताया था, अभी अभी हमारे टच में आया, तो कि हम तो बचपन से उनको जानते थे पर कभी हमने जाना नहीं था कि ये योगी थे। और उसके पूरे फैमिली के अंदर, वो पारसी फैमिली था, तो एक बार वो उनके घर गए थे तो वहाँ उनका लड़का था फैमिली में, तो उसकी मम्मी ने बताया कि आज इस बच्चे का जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, तो फिर से वो जो मेन डोर था वहाँ तक गए और कुछ हाथ हिलाकर एक फूलों की माला तैयार कर दी। मतलब कोई मटेरियल नहीं था, फिर भी ऐसे एक हाथ हिलाया और उनके हाथ में फूलों की माला आ गई और कहा कि ये दरवाजे के ऊपर लटका दो। तो ऐसी ये सारी चीजें उनके लिए तो बहुत रम्मत की बात थी। कई बार बोलते थे कि भाई इस समय इस व्यक्ति का फोन आएगा और ये व्यक्ति फोन पर ऐसी बात कहेगी, तो एडवांस में बहुत कुछ वो बता देते थे और कई चीजें जानते थे, फिर भी वो कुछ उसका रिएक्ट नहीं करते थे या कोई मना नहीं करते थे। जैसे वो, हम जानते हैं, वो होम्योपैथी की दवा देते थे, तो कई लोग होम्योपैथी की दवा लेने के लिए आते थे और वो जानते थे कि ये दवा लेने वाला नहीं है और जाके फेंक देगा, फिर भी वो उसके पास आता है तो वो अचूक वो उसको दवा दे देते थे जानने के बावजूद। तो वो इस तरह का इनका एक सिंपल जीवन था और बहुत सारी चीज़ें इनके जीवन के अंदर आती रहती थी। अब इनका एक काम करने का, जो महापुरुष होते हैं उनका एक काम करने का एक और भी तरीका होता है, कि जैसे कि उन्होंने देखा कि भाई कुछ लोग अभी साधना के लिए तैयार है पर फिर भी वो इतने तैयार नहीं है कि उसको कुछ आगे का बताया जा सके। तो और ऐसे महापुरुष के पास तो समय बहुत लिमिटेड होते हैं और वो हमेशा, हम जब साथ में जाते मिलते थे तो बोलते थे कि भाई मेरे पास अब समय बहुत कम है, जो सीखना हो तो सीख लो। पर हम लोग इतने ये उत्साहित नहीं होते हैं और कई बार सीरियसली उनकी बातों को लेते नहीं हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है कि एक इटर्निटी के अंदर काम करना पड़ता है। तो जो चीज़ भविष्य में हो सकती है ऐसी चीज़ को सीड के रूप के उसके सबकॉन्शियस के अंदर वो डाल देते हैं कि भाई ये व्यक्ति का कुछ ऐसा समय आएगा उसके बाद में ये साधना कर सकेगा, क्योंकि उनको देना है पर लेने के लिए वो व्यक्ति का भी व्यक्तित्व तैयार नहीं है। और ये इन लोगों के लिए एक बहुत कठिनाई होती थी और वो जीसस से काल से चली आती थी। जीसस के भी जो शिष्य थे, वो 12 शिष्य, उन्होंने बताया कि भाई मैं जाके आता हूँ, तुम जागते रहना, और सब सो गए थे। तो जो शिष्य और हमारे उनके पास में जो होते थे वो सब साइकोलॉजी लोकली सोए शिष्य ही होते हैं। तो उनको क्या करना पड़ता है कि इनके सबकॉन्शियस में एक सीड डाल देते हैं ताकि समय आने पर वो सीड की तरह, फिर वो सीड उगता है तो उस तरह फिर वो आगे काम कर सकता है। तो इस तरह इटर्निटी में उनको जो पोटेंशियल व्यक्ति होते हैं उनको स्पर्श से या किसी तरह भी वो ये चीज़ उसके अंदर डाल देते हैं और फिर वो व्यक्ति जो का जब समय आता है तो वो फिर निष्ठा से साधना करने लगता है। तो इस तरह भी होता है। और सदनसीब से मैं तो बहुत लंबे समय उनके संपर्क में नहीं रहा, उनके जीवन के लास्ट 6 मंथ ही मेरे उनके साथ में संपर्क हुआ। पर थोड़ा जब संपर्क हुआ तो बहुत गहरा हुआ। मैं जानता था 88 से उनको, जब से वो माधवपुर आते थे, पर किसी न किसी कारण मैं उनको मिल नहीं पाता था। और ऐसे महापुरुष को मिलने के लिए भी कुछ प्रारब्ध और समय एक होना चाहिए। तो वो समय गया आया मेरा 93 के एंड में, जब वो माधवपुर आए थे तब मैंने उनकी शिविर अटेंड की थी।
और फिर काफी क्लोज बन गया था। हर महीने उनके वहाँ जाते थे। एक बार तो हम अप्रैल में विद्यानगर शिविर थी, वहाँ से वो मेरे घर पर भी खुद आए थे, बैठे थे, और उनके साथ हम कुछ भी चर्चा कर सकते थे कि ऐसा नहीं है, कोई भी तकलीफ है, और न सिर्फ कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर, कोई आपको व्यक्तिगत तकलीफ है। जैसे मुझे याद है कि जिस दिन वो मेरे घर आए थे, हम लोग रात को विद्यानगर से आए थे, और मेरे यहाँ एक लेटर पड़ा हुआ था, पोस्ट में आया था, और मुझे एक भावनगर यूनिवर्सिटी से ऑफर आई थी कि वहाँ योग टीचर के रूप में आपको आपको आप चाहे तो अपॉइंट किया जा सकता है आपको करके। और उस समय बड़ौदा में मैं रहता था, पर थोड़ा फाइनेंशियल थोड़ी तकलीफ थी, तो मैंने सोचा था कि भावनगर में शिफ्ट कर जाऊं। और उसी दिन तावरिया जी खुद घर पर आए थे, तो मैंने उनको पूछ लिया कि भाई थोड़ी मुझे यहाँ तकलीफ है, तो मैं ऐसा जाना चाहता हूँ। तो बोले नहीं 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 किधर जाने की जरूरत नहीं, तुम यही रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इनकी कृपा से फिर सब कुछ ठीक हो गया, यहाँ तक कि जो घर में वो आए थे वो घर भी खरीद लिया गया। तो इस तरह इन लोगों का जब संपर्क होता है तो खाली आध्यात्मिक यात्रा में मदद रूप बनते हैं ऐसे नहीं, पर भौतिक ये हमारे जो बहुत सारे प्रश्न होते हैं वो भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ऐसा बहुत बार मुझे इनका अनुभव हुआ था। और जो अब जब मिलते थे तो एक दो चीज़ उनकी एक अद्भुत थी, एक उनका स्पर्श, जब वो हमें छूते थे या हम उनको छूते थे तो एक अद्भुत एक स्पर्श के अंदर कुछ था, और दूसरा जब उनको हम मिलते थे तो उनका एक चेहरे के ऊपर जो हास्य था वो आप कभी भी भूल नहीं सकते। इतना मधुर हास्य उसके चेहरे के ऊपर हमेशा रहता था, इतना प्रेम से वो हमको आवकार करते थे, वो वेलकम करते थे जिस तरह मतलब कहते हैं। तो इस तरह इनके अंदर ये सारी चीज़ें पड़ी थी, और इस तरह मैं तो अपने आप को बहुत सदनसीब मानता हूँ कि उनके समय में ये जीवन मिला, और उनके द्वारा ये अध्यात्म मिला और बहुत कुछ मिला, तो एक बहुत सदनसीब हूँ। लास्ट में एक कम्युनिकेशन की बात करके ख़त्म करते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम तो इतने सदनसीब नहीं हैं कि इनकी वो जब ये फिजिकल बॉडी में हाजिर थे तब हम उनको मिल पाए, ऐसा कई लोगों को लगता है, पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि वो आज भी जैसे फिजिकल बॉडी में जिस तरह वो अवेलेबल थे, जैसे ये वो हयात थे और हम मिलते थे, इसी तरह आज भी वो अवेलेबल भी है, और हम जब भी चाहे उनका कांटेक्ट कर सकते हैं उसका उनके एस्ट्रल के द्वारा। तो उसके लिए उन्होंने ही एक टेक्निक दी थी कम्युनिकेशन की, और कहते थे कि सुबह में 6:45 से 7:15 के बीच में 5 बजे शांति से बैठना और मुझे याद करना, और कोई आपको कोई प्रश्न है प्रॉब्लम है तो मुझे पूछ लेना, उसका जवाब भी मिल जाएगा। तो वो एक उन्होंने बताया था। तो एक हमें जो साधक है उनको उनके साथ अगर जोड़ने की इच्छा है तो हमेशा ये आपको खास करना चाहिए कि 6:45 से 7:15 के बीच में 5 मिनट आप शांति से बैठिए, उनको याद करिए। जिन्होंने उनको फिजिकली तो जो मिले नहीं हैं, पर इनकी वीडियो कैसेट के अंदर वीडियो है तो उसके अंदर हम उनको उनको देखा है, और उनकी आवाज़ है, गायत्री मंत्र भी उन्होंने इसमें है। तो ये दो चीज़ हम कर सकते हैं, एक उनके उनका जो चेहरा है उसको आप पहले याद करिए, और दूसरा उनका जो आवाज़ है उनको याद करिए, और फिर एकदम शांति से बैठ जाए, अंदर जितने भी कम विचार आए इतना प्रयत्न करें, और शांति से आप बैठे रहे, दूसरे विचारों के अंदर आप इन्वॉल्व मत हो जाइए। तो एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि वो कहते थे कि जब आपके अंदर का जो ये मोनोलॉग है, मतलब अंदर जो बक बक चालू है, वो जब शांत हो जाएगा तो उनकी आवाज़ हम सुन पाएंगे। बोलते कि एक दिन आप सुन पाओगे कि मैं बोलूँगा गुड मॉर्निंग और आप सुन पाओगे। तो यहाँ तक हमें कम्युनिकेशन के अंदर जाना है,
और मेरी खास रिक्वेस्ट है सबको कि रोज 5 मिनट सुबह में निकाल के इस तरह उनके साथ कम्युनिकेशन करने का प्रयत्न करें। आपको कोई भी दिक्कत है, आपको कोई आध्यात्मिक प्रश्न है, आपका कोई भौतिक प्रश्न है, आपकी कोई बीमारी है, आपको फैमिली में कुछ है, तो उनके साथ आप बात करिए, एक बार प्रश्न रख दीजिए और जब उसका टाइम आएगा तब अपने आप में उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ऐसा मत समझिए कि वो नहीं है, आज भी वो अवेलेबल है और इतने ही लाइव है जितने वो फिजिकल बॉडी में थे। तो इतनी बात करके मैं समाप्त करता हूँ और आज उनका निर्वाण दिन है तो इतना शेयरिंग सबके साथ किया है, धन्यवाद। यहाँ मुझे कोई प्रश्नोत्तरी रखते नहीं है क्योंकि कोई इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि किसी को कुछ प्रश्न हो, तो यहाँ समाप्त करते हैं। कल रेगुलर जो हम इनर डिसिप्लिन के लिए मिलते हैं तो कल इनर डिसिप्लिन का कोई चैप्टर है वो फिर से पढ़ेंगे इसी समय, तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलेंगे फिर। थैंक यू।